शहरम है, शहरम शहरम बढ़िया लगती है शहरम है, पहुंचा दिलो अभी एक लपागम सीधा तिया कोर्ट द्वारा देहरादून है, घर में रहन घर में समझ गया भाग रहन घर। हां क्या पढ़ मैं? गणित। गणित फेवरेट सब्जेक्ट ठीक है जी। ओके फेवरेट टीचर? कुकृति सर। घर में बढ़िया लगे दिया शहरम? घर में। गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी लोगों को, तो स्वागत हो चुका है एक और नए वीडियो में, और पुरानी सारी वीडियोस में जो आपने प्यार दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही प्यार दिखाइए। इंट्रोडक्टरी वाली वीडियो में तो हद ही कर दी, 1K व्यूज़ के देख के जो खुशी हुई समझ सकता हूँ, ऐसे ही प्यार दिखाइए। और वो वीडियो पे था 1K, आप सपोर्ट दिखाते रहिए तो 1K सब्सक्राइबर भी जल्दी पहुँचेंगे, पूरा सपोर्ट चाहिए आपकी तरफ से। बाकी आज पहुँचे हैं अपने उत्तराखंड राज्य के पौड़ी ज़िले के रिखणीखाल ब्लॉक के अंदर आने वाले गांव द्वारी में। तो आज का जो प्लान है उस स्कूल में जाएंगे, और वही स्कूल से मैंने भी 6ठी से और 12वीं क्लास तक पढ़ाई करी हुई है, तो पुराने दिन याद करेंगे, देखेंगे, लोगों से मिलेंगे, पुराने टीचर्स मैंने सुना कि अभी हैं कुछ वहाँ पे, और बाकी जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनसे बात करते हैं, मिलते हैं आगे। और द्वारी गांव में ही स्थित भैरव बाबा का मंदिर, बड़ी खूबसूरत जगह पे ये स्थित है मंदिर, दिखाना एक बार उस साइड से घुमा के व्यू दिखा देना। ठीक है, दर्शन कर लेते हैं। चलिए, बाबा की कृपा तो हुई जाएगी, बाकी आप लोगों की भी कृपा चाहिए, और ज़रूर सपोर्ट करना, पूरा दिखाना सपोर्ट, ऐसे ही हम। अच्छा, अभी प्लान में थोड़ा चेंज हो चुका है, हम जैसे अभी लास्ट वीडियो में हम टिहरी गए थे या ऋषिकेश वाली जगह पे भी गए थे, तो अभी इतनी दूर जाने की हमने प्लानिंग में थोड़ी सी चेंज करी है, अभी हम सोच रहे हैं कि लोकल एरियाज़ में ही गाँव जाके वहाँ के बारे में बताएँ, कुछ और स्कूल्स कवर करेंगे, तो लोगों से इससे मिलना जुलना भी हो जाएगा, और अपनी उत्तराखंड की संस्कृति, लोगों के रहन सहन, यहाँ के इलाकों के बारे में ज़्यादा नॉलेज आप लोगों तक भी पहुँचा पाऊँगा। और मैं भी 10 साल से, जैसे कि इंट्रोडक्टरी वाली वीडियो में बताया था कि शहर में ही था जॉब के चक्कर में, तो मैं भी वैसे ज़्यादा गाँव में घूमा नहीं था आज तक, तो इस बार ये मौका है, अच्छे से घूमेंगे, आप लोगों को भी साथ लेके जाएंगे, मिलते हैं आगे। और बाकी आज यश कंडारी है नहीं, क्योंकि और भी काम है, बताएंगे उस बारे में क्या काम रहता है उनको घर में, तो अगली वीडियो में जैसे ही आएंगे फिर बताते हैं आपको। तो उनकी रिप्लेसमेंट में देखो मेरे साथ कौन आया, गांव के ही अपने लोकल बंदे। हाँ भाई, क्या नाम है यार? विवेक। कै गाँव से? कुराली तोलियो। कुराली तोलियो हैं, कई क्लास में पढ़ी थी? 9th। अच्छा, तो स्कूल नहीं सके इतनी आज? नहीं। अच्छा अच्छा, बाकी तो एक बात बताती है, शहर हम बढ़िया लग दिया, घर हम बढ़िया लग? शहर। शहर हम है, शहर शहर हम बढ़िया लगती है, शहर हम है, पहुंचा दिलो अभी एक लपागम सीधा तिया कोर्ट द्वारा देहरादून है, घर में रहन घर में समझ गया भाग रहे घर। हाँ अच्छा, तो भूली कह गया
द्वारिका द्वारिका हाँ अच्छा अच्छा लारा दो मैं हाँ अच्छा तो स्कूल पढ़ दोगे पहले अच्छा द्वारी हाँ द्वारी अच्छा अच्छा बाकी तुम तो शहर बढ़िया लगे थे घर पर बढ़िया लगे थे धारी बढ़िया ना हाँ। बहुत बढ़िया मुझे बहुत बढ़िया सी जाना चाहिए और सब बाकी उत्तराखंड का लोग अपनी राह लगा रहे हैं। हाँ तो बुलाओ कह कहाँ का छो हम द्वारिका तुम भी द्वारी हाँ। अच्छा कन चलो मतलब स्कूल में आज सब आ रही बच्चा हाँ। अच्छा छुट्टी पड़ने में बोला हाँ। एक तारीख बड़ा अच्छा क्या नाम से तुम्हारा मेरा नाम गौतम मेरा नाम सतीश अच्छा तो टीचर लोग को कुछ याद पुराना मतलब कुकरे गया का एक तो कुकरे थे गुरुजी वाला और राजू और बस अच्छा भाई तुम कहाँ का हम चिलो का भाई चिलो मेला चिलो सोमखला उंडी हाँ, चिल तुम मुछलगा अच्छा तुम हम भी चिलगा चिलो अच्छा अच्छा कन चलो पड़े तबे बढ़िया चलो भाई बढ़िया चलो फोन च कैम ना अरे भाई फोन ले आंदे फोन अलाउड नहीं करेगा ना भाई फोन अलाउड तो ले आई नहीं रहो या छुपा रहे ना भाई फोन अलाउड नहीं है अच्छा अच्छा चलो अब कर लो तुमसे बातें तो पहुंच चुके हैं द्वारी स्कूल में और गेट पे पहुंचते ही यहां पे देखिए आप इस वाली गेट से मैं जैसे ही एंटर हुआ मुझे सर मिल गए हैं तो आप लोग जितने जानते हैं पीटीआई सर के नाम से जानते थे स्कूल टाइम पे और सर का नाम है चरण सिंह तो सर बताइए स्कूल की हालत और बाकी यहाँ के हालतों के बारे में ठीक है बहुत अच्छे यहाँ के हालात ठीक हैं यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति तो रहती हैं हाँ जी सर जिससे पर्वतीय क्षेत्र है आने जाने की पहले काफ़ी समस्याएं थी लेकिन इस समय बहुत अच्छा हो चुका है यहाँ रोड भी आ चुकी है गाड़ियाँ आ चुकी हैं यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल हाँ आने जाने की सुविधा हो चुकी है हाँ जी सर लेकिन इस आसपास के क्षेत्र में मेरा भी भ्रमण काफ़ी रहा है हाँ जी हाँ जी क्योंकि एक बार मेरे तो सर लगता है कि 10-15 साल तो हो ही गए यहाँ नहीं मिलता है 22 वर्ष बीत चुके हैं 22 साल से मैं हूँ हाँ जी हाँ जी 99 से यहाँ पर मैं कार्यरत हूँ ठीक है और एक बार जनगणना में मेरी ड्यूटी लगी अच्छा, तो अच्छा। जहाँ के ये आसपास के गांव हैं ग्राम सभा जो इधर की है द्वारी की हाँ जी हाँ जी इसकी नजदीक में चितखाल गांव है हाँ जी जो मेरा गांव है हाँ जो कि आपका गांव है हाँ उस गांव में मैं गया अच्छा। जनगणना की ड्यूटी के समक्ष हाँ जी तो वहाँ मैंने देखा कि मकान बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं घर अच्छे बने हुए हैं बिल्डिंग अभी ठीक है जो यहाँ के हिसाब से हैं हाँ जी लेकिन रहने वाले जो लोग थे 2-3 परिवार मुझे वहाँ मिले हाँ। और बाकी वहाँ के घर मकान सभी खाली पड़े हुए थे पलायन कर चुके थे वो लोग यहाँ से जा चुके थे मैंने पता भी किया कि ये परिवार कहाँ पर है तो पता लगा कि नहीं जो बाहर जा चुके हैं यहाँ से हाँ पलायन कर चुके हैं बाहर रहते हैं हाँ जी सर तो तब मुझे देखने को मिला कि इतनी अच्छी यहाँ की मतलब जलवायु है वातावरण इतना अच्छा है उसके बाद भी लोग यहाँ काम न करके बाहर पलायन कर रहे हैं बाहर जा रहे हैं हाँ वैसे मेरे विचार से तो ये पलायन रुकना चाहिए क्योंकि जब यहाँ रहेंगे आबादी रहेगी जनसंख्या हाँ रहेगी तभी इस क्षेत्र का विकास भी होगा तभी सरकार जो यहाँ के लिए सुविधाएं देगी ठीक है सर थैंक यू सो मच बाकी ऑफ कैमरा भी सर से बात करते हैं बहुत अच्छी बात की है सर ने आगे मिलते हैं तो द्वारी स्कूल के प्रिंसिपल कक्ष में पहुंच चुके हैं और हमारे साथ प्रिंसिपल सीट पे बैठे हुए हैं सर आपका नाम मेरा नाम तनवीर हसन अंसारी हाँ जी और राजनीति विज्ञान हाँ जी और प्रभारी प्रधानाचार्य 2020 से हूँ मैं जनवरी 2020 से ठीक है सर बाकी स्कूल के बारे में बताइए सर थोड़ा बहुत कब ये एस्टेब्लिश हुआ राजकीय अंडर कॉलेज द्वारी पैनो 1986 से स्थापित है ठीक है सर और 2001 में जो है इंटर की मान्यता मिली ठीक है जी और बच्चे यहाँ पर काफ़ी थे 350 बच्चे तक थे लेकिन वर्तमान में 304 बच्चे 254 बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत हैं ठीक है और बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं हाँ जी जैसे डबराड है 25-30 गांव के बच्चे हैं ठीक है जो यहाँ पर आते हैं हमारे यहाँ हाँ जी पढ़ने के लिए जिनको 2 घंटे भी लगते हैं और 1.5 घंटा भी लगता है स्कूल आने में हाँ जी यानी बड़ी कठिन परिस्थितियों में बच्चे आते हैं यहाँ पर अध्ययन करते हैं हाँ जी और हमारे सभी शिक्षक जो है बड़े मनोयोग से और बड़े समर्पण भाव से बच्चों को पढ़ाते हैं यहाँ पर ठीक है क्योंकि विद्यालय की स्थिति विद्यालय की जो पुरानी बिल्डिंग थी वो थोड़ी रेनोवेट करी है हाँ, हाँ जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ तो अच्छे से बना दिया बिल्डिंग को हाँ, बना दिया है कुछ और बननी बाकी है इनका प्रस्ताव भी हमने भेज रखा है विभाग को ये बन जाएंगी ठीक है और टीचर भी जो है हमारे सिर्फ जो है प्रवक्ता जीव विज्ञान और प्रवक्ता रसायन विज्ञान ये रिक्त हैं
और फोर्थ क्लास कोई भी नहीं है। कभी कभी यहाँ चार फोर्थ क्लास थे, लेकिन आज स्थिति यह है एक ही फोर्थ क्लास यहाँ पर नहीं है। खुद ही हम सफाई करते हैं, खुद ही दरवाजे खोलते हैं, खुद ही गेट बंद करते हैं। अब ये स्थिति हमारे सामने है। अगर हमको जो है फोर्थ क्लास मिल जाते तो और अच्छे जो है शिक्षण कार्य और अच्छा हो पाता, क्योंकि जो टाइम हमारा इसमें लगता है वो टाइम हमारा बचता। ठीक है, बाकी बच्चों का पढ़ाई लिखाई का हिसाब किताब बढ़िया चल रहा है? बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत उत्तम है, बहुत मेहनत करते हैं बच्चे भी, बड़े मनोयोग से पढ़ते हैं। ठीक है जी। और बहुत ही अच्छी पढ़ाई करते हैं हमारे बच्चे जो है, काफी रिजल्ट काफी अच्छा रहता है हमारा। ठीक है सर, और बाकी आप भी जितना भी ज्ञान है इनके ऊपर झोंक दीजिए, क्योंकि अगर अभी ये पढ़ेंगे तो आगे जाके इनको ज्यादा नहीं तो टीचिंग लाइन में जाएंगे, टीचिंग लाइन में जाएंगे तो ज्यादातर इनकी ड्यूटी पहाड़ी एरिया में लगेगी, उससे हमारा प्लान भी कम होगा और अपने उत्तराखंड की खूबसूरत धरती में रहेंगे। काफी बच्चे हमारे जो है आर्मी में भर्ती होते हैं, हर साल हो जाते हैं। हाँ जी। और कुछ बच्चे हमारे जो है एमएससी करने के बाद टीचर ही बने हैं। हाँ जी। एमएससी बीएड करने के बाद, और कुछ बच्चे हमारे बीएससी कर रहे हैं और यहाँ से आईटीआई भी कर रहे हैं बच्चे, पॉलिटेक्निक भी कर रहे हैं। यदि काफी अच्छा रेस्पॉन्स बच्चों को यहाँ पर से दे रहे हैं हमारे बच्चे, सर, क्योंकि मेहनत की आदत हमको हम डालते हैं यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों का घर टाइम टेबल बनवाते हैं, जैसे बच्चे घर जाते हैं उनका 4-5 घंटे का टाइम टेबल बनवाते हैं बच्चों का, क्या पढ़ो उसको ग्रुप में भेजो, बच्चे ग्रुप में भेजते हैं, एक चैलेंज बच्चों को हम देते हैं। ठीक है। डेली का हमारा है बच्चों को प्रेयर में चैलेंज मिलता है कि तुम्हें आज जो 6 घंटे पढ़ना है, उसको लिखित में लेकर आना है यहाँ पर, अगले दिन हम चेक करते हैं, उसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हमें मिलता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, अभी और बातें करनी होगी तो करेंगे आपसे, और मैं बच्चों से बात कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, बच्चों से आप बात कर सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। नमस्ते सर, अपने बारे में बताइए प्लीज। मैं यहाँ 25 अगस्त 2021 से हूँ। हाँ जी। पदोन्नति में आया हूँ, वर्तमान में जो है कार्यालय में एक और अन्य कोई भी कार्मिक नहीं है, जिस वजह से बार बार जो है इधर उधर स्वयं जाना पड़ता है। हाँ। जिससे जो है अन्य गतिविधि भी बाधित होती है। तो आपने अपना पद क्या बताया था सर, किस पोस्ट पे? वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है ठीक है। तो कार्यालय में जो है सभी कर्मचारी होनी चाहिए। हाँ। ऑफिस खोलना। ठीक है, तो आपने जो बता दिया तो उन पदों का अभाव है यहाँ पे, है ना, अभाव ये कह रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है सर, धन्यवाद। बाकी चरण सिंह सर से हमने अभी बात कर ही ली है, बाकी ऑफ कैमरा भी बात करते हैं। काफी अच्छे से बिल्डिंग को सजाया हुआ है, प्रॉपर लाइनिंग्स लिखी हुई हैं, पेंटिंग बहुत अच्छी, स्टूडेंट देख लो कितना डिसिप्लिन में खड़े हैं। अभी इनसे बात करते हैं। और ये वाला एरिया तो अपने टाइम पे 15 साल पहले थोड़ा डैमेज था, अभी इसको रेनोवेट किया अच्छे से, बड़ी अच्छी बिल्डिंग लग रही है अभी, तो हालतें सुधर रहे हैं, कोशिशें सबकी जा रही हैं, देख सकते हो। ग्रीन बेल्ट का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है, तरह तरह के पौधे, ये अमरूद है देखो, इधर आंवला है, ये आम का पेड़ लग रहा है, इसी तरह से बहुत सारी यहाँ पे इन्होंने पेड़ लगाए हुए हैं, देख के काफ़ी अच्छा लगा। बिल्डिंग को एक सुंदर लुक देने के लिए काफ़ी मेहनत करी गई है, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो बच्चों, जोर से हेलो। काफी कम जोश से सुनो, चैनल सब्सक्राइब कर दिया यार, फिर परवा आ जाली वीडियो, है ना जी। नाम लिखो जी। ओके, हेलो बच्चों। हेलो सर। हेलो, अच्छा तो कै गांव से बोला? मैं द्वारी। द्वारी है ना, अच्छा कै क्लास में जाई? एट्थ। अच्छा, कन लग मत पढ़े वगैरह कन चल देखा? अच्छा, बहुत बढ़िया जी। टीचर लोग सब बढ़िया जी? ओके, अच्छे से पढ़ाई करें जी, तुम लोग भी अच्छे से कर दो जी। ओके, फेवरेट सब्जेक्ट कौन है? मैथ। मैथ्स जी। अच्छा अच्छा, और टीचर को लगती तुम तो सबसे बढ़िया? सारे सारे टीचर अच्छे हैं। ओके, आप बताओ नाम? बगनेगी। गाँव? द्वारी। द्वारी, ओके। सब्जेक्ट बढ़िया? मैथ्स। फेवरेट टीचर? संदीप सर। संदीप सर कौन है? अच्छा अच्छा ठीक है, तो शहर में बढ़िया लगे थे? घर घर में पक्का? ठीक है, घर बहुत बढ़िया। बोलिए क्या नाम है? संजना नेगी। संजना नेगी, कह गाँव से बोली? द्वारी। द्वारी की, अच्छा सब द्वारी का ही थी। अच्छा अच्छा, क्या पढ़ मैं? गणित। गणित फेवरेट सब्जेक्ट ठीक है? ओके, फेवरेट टीचर? कुकृति सर। घर में बढ़िया लगे थे या शहर में? घर पक्का जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई दूर बड़े गाँव को कुछ द्वारी से अलावा? ओके। हाँ जी भाई जी, कह गाँव का? चायबाड़ा।
चायवाड़ा बहुत दूर बड़ा है जी। पता बस में निकल जाओ घर बड़े तो 8 बजे एक कदम बज पहुँच दो 9:30 कई क्लास में बढ़मो 12 तो 12 में। अच्छा अच्छा पढ़े वगैरह कौन चल रहा है बढ़िया। अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश। टीचर बढ़िया पटवाल सर। अच्छा दरवान सिंह पटवाल सर हैं। आ जाए नहीं सी क्या? ओके ओके। और शहर में बढ़िया लगे या गर्म? सर गर्मी। पक्का जी? बहुत बढ़िया। बाकी अच्छा तो आप दिल्ली पढ़ाई करते छापे लाए की जगह? सर बदरपुर बॉर्डर। बदरपुर बॉर्डर है जी। यक आना क्या मतलब बन फिर के कारण से? सर 10th में कंपार्टमेंट आई थी वहाँ। अच्छा फिर यहाँ आए थे 10th में। अच्छा तो आप गढ़वाली नहीं बोल पाते क्या? नहीं सर। अरे यार उम्र क्या है आपकी? सर 17 प्लस है सर। अच्छा तो आप ये कह रहे हो कि कोविड के दौरान जो लोग गांव आए थे उसके बाद आपने यही पढ़ाई कंटिन्यू कर ली? सर कोविड के बाद। चलो कितना टाइम हो गया मतलब? ऑलमोस्ट 2 साल हो गए ना। चलो गढ़वाल भी सीखना जी। ठीक है जी। और लोगों तभी बताना। और दिल्ली अच्छा लगा है यहाँ अच्छा लग रहा है? सर यहाँ अच्छा लग रहा है। पक्का? बहुत बढ़िया यही रहना ना जी। ओके बोलिए। ये अच्छा अच्छा इनका हाँ जी क्या नाम से बोले? सोनालिका। गांव? गांव चढ़ाडान। चढ़ाडान है ना। अच्छा काफी दूर कदर टाइम लग जाना हम तो 1-1.5 घंटा लग जाओ। अच्छा अच्छा तो सवेर तो फिर अंदर ही होंगे अंदर ना उन टाइम पर पहुंच जाओ। अच्छा अच्छा और फेवरेट सब्जेक्ट? फेवरेट मैथ्स। टीचर फेवरेट? सब टीचर सब जी। घर में बढ़िया लगते है गांव ना? घर में बढ़िया लगता है ना। और घर में बकरा गोर विधर है सी? हां कदर सी बहुत अच्छी बढ़िया लगता है। हां चलो बहुत बढ़िया बोली। हां बोली तो उमर गांव पड़ियारपानी। नाम क्या है? शिवानी। नेगी रावत क्या? नेगी। अच्छा अच्छा और तुम तक कदर टाइम लगता? 2.5 घंटा। कदर बजे निकल जाना? 7:30। फेवरेट सब्जेक्ट? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। टीचर? सभी। सभी घर में बढ़िया लगे दिया गांव? ओ सॉरी शहर में। घर। पक्का? बहुत बढ़िया इन्हीं रहे घर में रहे हैं अभी पढ़े पर ध्यान देने ताकि ऐसा अगर कभी टीचर बनेला तो पहाड़ों में ड्यूटी लगा ले पहाड़ में रह सकेला और पलायन तो कम करेला है ना शहर हम नहीं जान गंदगी। बोली त्या नाम क्या है? गाँव डबराड़। बाप रे डबराड़ है ना। डबराड़ में एक बार बता देना। देखो भाई साहब यक्ष डबराड़ यक बड़ा आंधी बिचारी दा मत्थी बढ़ेगी और यक पता नहीं रोल से होते हुए और फिर वापस अपने स्कूल में वापस जाना बोली तब पूछ दो। अच्छा तो भूली कदर टाइम लग जाऊँ? 3 घंटा जान में 2.5 घंटा। कदर वैसे निकल जाऊँ सुबह 11 बजे? 7 बजे। ओके और खैरा जान तब भाई दगुड़ रेंज कदर छो? हम 28-29। डबराट बड़े बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा सब दगड़ आया करो है ना आजकल ठंडू टाइम से डर लगे रिक हो गया कभी कुछ भी हो सकता। चलो बहुत बढ़िया और कई क्लास में छो? 10th। चलो बढ़िया और वर्ल्ड विषय तो सबसे बढ़िया लगा था? इंग्लिश। इंग्लिश बहुत बढ़िया और टीचर कुछ ही बढ़िया? सर गुसाई सर हमारे क्लास टीचर। अच्छा तो इंग्लिश को पढ़ने दी टीचर पटवाल सर? वी सर अंकित। अंकित सर जी। अच्छा अच्छा चलो बढ़िया घर में बढ़िया लग रहा शहर में जान? घर में बहुत बढ़िया। चलो राधा राधा कब पढ़ा दो? सौंपखाल बड़े बाप रे कदर टाइम लगे तुम तो 2.5 घंटे। अच्छा मतलब कदा बजे निकल जाओ घर बड़े? घर बड़े 7:30। 7:30 बजे। अच्छा टाइमिंग कदा बजे की से दिना की स्कूल लगे? दिना स्कूल लग तो जब पौने ये स्कूल। हाँ अच्छा अच्छा और कंचल में पढ़े वगैरह बढ़िया चलेगा? तुम भी पढ़े करे मन लगा के ना। ओके घर में बढ़िया लगे या शहर में? घर। शहर जा रहो कभी कभी भी आज तक? हाँ कभी जा रहो? दिल्ली। कन लगा के जगह को? दिल्ली। दिल्ली राजीव नगर। राजीव नगर अच्छा अच्छा प्रदूषण मिल चुका घुटन में? अच्छा चलो यकी रहन ठीक है? हाँ बढ़िया पढ़ाई करो और यकी टीचिंग लाइन हम जाने पहाड़ों में ड्यूटी लगाने चाहें तुम्हारो यकी रहे ठीक है? हाँ बोली क्या नाम है? सुप्रिया। गाँव? द्वारी। द्वारी अच्छा अच्छा और बाकी पढ़ाई वगैरह सब बढ़िया? एम क्या चल मई? गणित। गणित गणित फेवरेट सब्जेक्ट है क्या? अच्छा अच्छा चलो बाकी गारम लगत बढ़ गया शहर में? गारम बहुत हाँ, बोली क्या नाम से तुम्हारा? प्रियंका। प्रियंका नेगी रावत क्या? शर्मा। शर्मा अच्छा गड़ेल शर्मा भी होंगी क्या जी। भाई लोगों आप तो कहता पता था शर्मा गड़ेल होंगी तो कमेंट करे जरूर एक मुड़ी। अच्छा तो बोली क्या क्लास में? 12
12 ए मतलब आर्ट्स में जी। ओके और कंचन में पढ़े वगैरह तैयारी पूरी चीज वगैरह बोर्ड एग्जाम का जी। अच्छा टेंथ में कक्षा एग्जाम सेंटर टेंथ एग्जाम। अच्छा चलो कोई बात नहीं सर। और फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी। टीचर फेवरेट सब फिर भी एक नहीं सब। अरे बताओ ना एक कोई दिक्कत नहीं सबसे बात चाहो। टीचर बात है सर। यू कुछ नया सीखा नहीं क्लास टीचर हमारे। हाँ ओके ओके चलो बढ़िया। और गारम बढ़िया लग रहा शहर में। गारम पक्का ना जी। बहुत बढ़िया सोच बोली घर में रहें ठीक जा। चलो धन्यवाद। बाकी जब अभी मैं शुरू में ही भैरव बाबा मंदिर के दर्शन करके आया था तो वो मंदिर स्कूल से ये है देखिए कितना मेजेस्टिक व्यू है। जय बाबा की। जी मैं शिक्षक दिनेश चंद कुकरेटी। हाँ सर। क्लास के इंटरकॉलेज द्वारी पैनों से गणित शिक्षक हूँ और पिछले 10 वर्षों से मेरा एक पढ़ाई का जो ये चल बच्चों के पढ़ाई में सुधार को अच्छी संप्राप्ति स्तर प्राप्त करने के लिए मैंने डबल मॉनिटरिंग शिक्षण का शुरुआत किया। डबल मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि 2012 से मैं ये आपने देखा होगा कि इसमें अभिभावक अध्यापक छात्र इन्वॉल्व रहता है। इसमें यह है कि छात्र प्रतिदिन जैसे पढ़ाई का एक बालिका है हमारे पास तो इस बालिका इसमें पूरा लिख रखा है निहारिका तो ये जैसे हमारे पास 1/9/2022 का काम है ठीक है सर। तो इसमें किस प्रश्न कितने घंटे काम किए तीन किससे किया 7:30 से 9:30 तक किया। हाँ कितने क्वेश्चन किए ये क्वेश्चन का क्वेश्चन संख्या है और ये माँ का साइन उसके बाद मेरे साइन है तो इसी प्रकार से प्रति मतलब अभी तक आज ये दिसंबर है लास्ट है तो इसमें प्रतिदिन बच्चों का कार्य है उसको मैं चेक करता हूँ अभिभावक भी चेक करता है एक चीज चलते और दूसरा चलता है पढ़ाई का चैलेंज। तो ये आप कॉफी देख रहे हैं बालिका का तो पढ़ाई का चैलेंज है कि बच्चे हमारे यहाँ घरेलू कार्य ज़्यादा करते हैं पढ़ाई कम करते हैं उनको समय नहीं मिल पाता तो मैंने एक नया गणित में जो बच्चे सीख पाए उनकी पढ़ाई का चैलेंज मैंने कहा जो बच्चा 4 घंटा पढ़ाई करेगा उसको निश्चित तौर से हम इनाम देंगे। तो इसमें किसी बच्चे ने 15 बार चैलेंज अगले किसी ने 20 बार लिया तो इसमें लिखा गणित में पढ़ाई का चैलेंज आप देख रहे हैं 5 घंटे का ठीक नाम संजना नेगी 20/12/2022 का है पढ़ाई का समय 6 से 10 बजे तक 4 घंटे हो गया कुल प्रश्न 80 गणित शिक्षक श्री कुकरेती जी विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज द्वारी पैनो। अभी आप देखो कि इस क्वेश्चन को मैंने इस बच्चे का क्वेश्चन चेक किया है इसी तरह से ये आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन बच्चे ने कर रखे हैं ये पढ़ाई का चैलेंज आप देख रहे हैं ये तो इस प्रकार से बच्चे इससे जब रोज पढ़ाई करेगा तो निश्चित तौर से उसके पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत होगा और एक रुचि जागृत होगा तो हमारे पास क्या होगा गणित बच्चे को न सरल लगेगा आसानी से कर पाएगा क्योंकि गणित बिना प्रैक्टिस का नहीं है। सही है तो आप ये कह रहे हैं कि इससे एक तो जो बच्चे लोग हैं वो ज़्यादा टाइम देंगे पढ़ाई को बिल्कुल है ना और साथ ही साथ अगर इतना चैलेंजिंग है तो ध्यान भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा रहेगा पढ़ाई पे। बिल्कुल आप सभी बच्चों का ये देख सकते हैं डबल मॉनिटरिंग के अंतर्गत ये पूरा सभी बच्चों ने बना रखा है उसमें मेरे साइन होंगे। हाँ जी बड़ा नीट एंड क्लीन काम है देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी आपके काम को तो हम भी जानते हैं सर पहले से ही हमने भी यही पढ़ाई करी है तो आप कितने सीरियसली पढ़ाई को लेके जागरूक हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आगे। हाँ जी जी ये भी बच्चे का चैलेंज है आप देख सकते अगला बच्चे का है तो ये बच्चे का सभी है ये चैलेंज सभी बच्चों ने ये कर रखा है क्योंकि बच्चों के एक मैथ्स की 4-5 कॉपी अब तक समाप्त हो चुका है तो लास्ट कॉपी चल रही है तो गणित में पढ़ाई का चैलेंज लास्ट में 15/12/2022 का है इसका अगले बार है तो बच्चे 4-4 घंटे करते हैं निश्चित तौर से इनके गणित में बहुत बड़ा सुधार हुआ है हमारे दुर्गम क्षेत्र में क्योंकि बच्चे यहाँ घरेलू कार्य करते हैं उनको पढ़ाई का समय नहीं मिलता आने जाने में उनका बहुत समय खराब हो जाता है तो ये बड़ी बड़ी उपलब्धि है कि बच्चे इस तरह से चैलेंज दे रहे हैं 4-4 घंटे गणित करने में और गणित में सुधार हो रहा है। ठीक है सर बहुत अच्छा स्टेप है सर और थैंक यू सर धन्यवाद वीडियो के लिए और इसी तरह काम करिए इनको अच्छे से जितनी नॉलेज है इनके ऊपर झोंकिए ताकि कल को ये अच्छे से कहीं किसी मुकाम पे रहें और अपने पहाड़ का नाम रोशन करें। देख रहे हैं इसमें मेरे कम से कम 130 पेड़ यहाँ से और लास्ट तक पूरा लंबा लगा रखे हैं इसमें कम से कम 8-10 किस्म के पेड़ पौधे हैं जैसे अमरूद हो गया आम हो गया आंवला हो गया हेड़ा हो गया बैड़ा हो गया बेल हो गया इस तरह से ये पेड़ लगा रखे 130 है इसमें लगभग 500 पेड़ लगाए कई बार पहले दीवार नहीं थी इसमें दीवार है और ऐसे ऐसे इस क्षेत्र में मैं 14 बगीचा अब तक लगा चुका हूँ। नीचे भी मेरे एक बहुत बड़े बगीचा उसमें भी काफ़ी फल देने लगे हैं और नीचे भी जहाँ ये नीचे देख रहे हैं सब जगह मेरे पेड़ लगा रखे हैं तो कुछ पेड़ छोटे हैं तो मेरा यही और दूसरा मेरा एक और चलता है इस अपने विद्यालय में विद्यालय वृक्ष पुरस्कार में प्रति वर्ष 2012 से जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं हमारे स्कूल से उनको एक एक पेड़ इनाम के रूप में देता हूं। अब तक मैं लगभग 450 से ज़्यादा पेड़ अपने बच्चों को देख चुका हूं जो बच्चे के घर में पल पुल के बड़े काफ़ी बड़े हो चुके हैं।
हमारा जो विद्यालय है राजकीय कॉलेज द्वारे पहनो लिखने खाल पौड़ी बाबा उत्तराखंड बहुत दुरुस्त है। यहाँ से बहुत दूर दूर के छात्र आते हैं, निर्धन छात्र आते हैं, बहुत गरीब छात्र आते हैं जिनकी शिक्षा जो बीच में छोड़ के चले जाते हैं। इस समय तक मैं 173 छात्रों को विद्यालय के शिक्षा के मुख्यधारा से जोड़ चुका हूँ और दूर दराज के जो भी छात्र मेरा यही खुशी देता है कि कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित ना रहे, कोई बालिका शिक्षा से वंचित ना रहे। तो अब तक 120 बालिका हैं इसमें और 53 बालक हैं, जिनमें के बालक जो हमारे पास है गोपीलाल, तो ये बालक भी कक्षा 9 करने के बाद विद्यालय छोड़ चुका था लेकिन इसको भी लाया। इस समय 12 रहना था तो इस बच्चे भी बाहर मजदूरी करता था कई जगह होटलों में, तो इस बच्चे को भी लाया। इसी तरह से बहुत से छात्र ने भाई, ये बालिका है, ये बालिका भी ऐसी थी कि जिसने कि 5 पास करने के बाद 2 साल तक ये बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, नहीं छोड़ दिया था, घर में थी। अरे ये बालक है, इसके पिताजी नहीं है, तो पिताजी उन्होंने कारण से इस बच्चे को भी लाया। ये सामने बच्चा है, बहुत निर्धन, सारे निर्धन बच्चे हमारे यहाँ पे हैं जो कि शिक्षा से वंचित हो रहे थे लेकिन इनको शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल किया। निश्चित तौर से यहाँ से 12 पास करके जाएंगे, मेरी अपेक्षा इन बच्चों से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप तो बहुत अच्छा अपना एक हेल्पिंग हैंड दिखा रहे हैं, ऐसे ही टीचर्स की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक, बहुत अच्छा लगा द्वारे स्कूल में आके, सारे लोग बहुत अच्छे हैं, टीचर्स हों स्टूडेंट हो, सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, काफ़ी हेल्पिंग नेचर है सभी की, पढ़ाई यहाँ पे बहुत अच्छी चल रही है, ये आपने देख लिया वीडियो में, सभी से मैंने बात करी है, आपसे एड्रेस करवा दिए सारी चीज़ें। ओके, तो ना अरे कहना क्या चाहते हो, ना सीमेंट से ना बजरी के घोल से, हम पहाड़ी तो घर लीपते हैं गाय के मोल से। वीडियो की एंडिंग करना भूल गया था तो, क्योंकि बैटरी लो हो गई थी, तो अभी कर रहा हूँ एंडिंग। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना भर भर के जितने हो सके, एक आईडी से कर देना 5-6 कमेंट्स, और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में और रिलेटिव्स में, ज़रूर वीडियो को भेजना। ऐसी और भी गांव-गांव जाके वीडियोस जो आएंगी वो आप देखना। थैंक यू।